अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है दोस्तों के। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं हूँ मोहम्मद शब्बीर और आप देख रहे हैं सैटेलाइट इन्फो। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बहुत अच्छी वीडियो है और बहुत अच्छी अपडेट है टाटा स्काई 83 के हवाले से। काफ़ी दोस्तों की डिमांड थी कि टाटा स्काई 83 के जो चैनल है वो नहीं चलते क्योंकि एयरटेल जो है वो बंद हो गई है। और आज इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ सीलैन जो है वो टाटा स्काई का पैकेज पूरा ओके है। और मैं आप दोस्तों को बकायदा चला कर दिखाऊंगा। ये सोनी सब यहाँ पे रुका हुआ है, टाटा स्काई वाला चैनल है। इसकी फ्रीक्वेंसी मैं चेक करवा दूँ आप दोस्तों को। सबसे पहले यहाँ पे ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी जनाब नोट कर लें 10970 32723 हॉरिजॉन्टल वाली टीपी है। और कंप्लीट अपडेट देने जा रहा हूँ दोस्तों को। मैं ये बताऊंगा कि इसके अंदर हमने लैन ऐड करके कैसे इसको चैनल चलाने हैं। तो जो मेरा सिग्नल है वो यहाँ पर मेरा सिग्नल कम्प्लीटली तौर पर जो है वो पूरा चैनल जो है मेरा वो स्क्रैम्बल है। यहाँ पे ये देखिए स्क्रैम्बल चैनल है। और दोस्तों वीडियो डिटेल जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट और गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल सैटेलाइट इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन जो आप दोस्तों को मिलता रहे। दोस्तों यहां पर आप दोस्तों को हर एक वीडियो जो है वो देखने को मिलेगी और रियल मिलेगी। फेक वीडियो नहीं होगी, जो होगा वो दिखाएंगे, जो नहीं होगा वो नहीं दिखाएंगे। और मैं शुरू करूँ वीडियो तो यहाँ से सबसे पहले मैंने अपना इंटरनेट जो है वो रिसीवर के साथ अटैच करना है, अपने मोबाइल की हॉटस्पॉट लगाऊंगा सबसे पहले मैं। तो यहाँ पर मेरा ओप्पो A15s मोबाइल है, इसको करूँगा ओके। ये मेरा पासवर्ड है, इसको लिंक करूँगा मैं, लिंक करूँगा। लिंक के बाद मेरा यहाँ पे कनेक्ट की ऑप्शन आ जाएगी, मैसेज आ जाएगा इंटरनेट कनेक्ट सक्सेस हो गया। ठीक है जी, अब मैं आप दोस्तों के साथ जो सीलन है टाटा स्काई की ये शेयरिंग में जाके लैंड डालता हूँ यहाँ पर जाके। तो जनाब बेला अब मैं यहाँ पे अपना सर्वर डालता हूँ। सर्वर जो मेरा जो सर्वर है DROM.VIP है। लैंड डालने का तरीका भी यही है, DROM.VIP। ये मेरा सर्वर नेम जो है ये क्लियर हो गया, इसको करूंगा मैं कन्फर्म। यस किया मैंने यहां से, उसके बाद पोर्ट मेरी 55000 है, पोर्ट जो है वो 55000 है। ठीक है जी, इसको भी मैंने किया ओके। तो उसके बाद सर्वर में जाएंगे, यूज़र नेम में आएंगे, यहाँ पर यूज़र नेम को करेंगे ओके। अब जो मेरा यूज़र नेम जो है मैं उसको लगाऊंगा जनाब बेला। यहाँ पे मेरा यूज़र नेम जो है 2541 59 86, ये मेरा यूज़र नेम हो गया। इसको भी करता हूँ यस। ये मेरा जनाब बेला पासवर्ड आ गया जी, पासवर्ड में लगाऊंगा जनाब बेला 85 57 52 55 लिए। अब मैं इशू करता हूँ यस। यस के बाद नीला बटन दबा के जहाँ डिस्कनेक्ट लिखा हुआ है कनेक्ट मेरा आ जाएगा, तो मेरी लैंड जो है वो कनेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे कनेक्ट आ जाएगा तो मेरी लैंड जो है वो कनेक्ट हो जाएगी। तो अभी थोड़ा सा वेट लेगी, तो इसको हमने जो है कर लेना है कनेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे लैन जो है मेरी वो कनेक्ट हो गई है, ये देखें कनेक्ट ये दोनों लिखा गया। अब मेरा सोनी का चैनल भी पीछे प्ले हो गया है, ये देखें सोनी का चैनल प्ले हो गया। ये मेरा कार्टून नेटवर्क है, ये देखें चल गया। और उसके बाद मैं कुछ चैनल मेन चैनल की तरफ चलता हूँ। तो
यहाँ पे आप मेन चैनल देखते हैं जी, कोई HD वाला सॉरी अपना यहाँ पर मैं चैनल दिखा दूँ आप दोस्तों को, चैनल काफी दूर दूर पड़े हुए हैं, इनको तलाश करने में जो है थोड़ा सा वक्त लग जाता है। और आप दोस्त जो है वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपका मसला हल हो जाएगा। ये लैन जो है अच्छी चल रही है, इसमें फ्यूजिंग बहुत कम है और काफ़ी लोग कहते हैं फ्यूजिंग। देखें अगर नेट अच्छा है तो लैन तंग नहीं करेगी, लैन ठीक चलेगी। ये देखें स्टार पास है मेरे पास, ये देखें जी आपके सामने है, ज़्यादा देर नहीं चला सकता क्योंकि हमारे लिए भी बड़े मसले मसाइल हैं और आप दोस्तों के साथ अपडेट शेयर करने के अंदर जो है हमें भी मसले बन जाते हैं। YouTube की बड़ी पॉलिसी जो है वो सख्त है। तो ये मेन चैनल जो है कलर TV जो HD कलर जो है इसको देखेंगे तो जब ये प्ले हो जाता है तो फिर ये प्रॉपर तौर पर चलता रहता है, फिर ये नहीं किसने नहीं चलना, फिर प्रॉपर तौर पर ये चलता रहता है। ये उसके बाद मेरा स्टार स्पोर्ट जो है वो भी ओके है और बाकी मैं चैनल लगा लूँ यहाँ पे। ये कलर की बात थी, कलर जो है मेरा मूवीज़ का चैनल है तो ये भी ओके है। और यहाँ पे सोनी का पे जो है चैनल वो भी ओके है। और उसके अलावा यहाँ पे HD चैनल की बात करें, एक तो ये 10.4 है और इसको देखते हैं क्या करता है ये चैनल। तो 10.4 तो है वो ओके चलता है यहाँ पे, इसको हम ज़्यादा नहीं चलाएंगे, मसले बन जाते हैं हमारे लिए भी। और उसके अलावा यहाँ पे जितना पैकेज बकाया है वो भी ओके है। और ये सोनी का चैनल है जी, इसको देखते हैं सोनी के चैनल को ये क्या करता है सोनी का चैनल है। तो ये सोनी का चैनल जो है ये भी ओके है। और यहाँ पे स्टार स्पोर्ट 2 का जो चैनल है स्टार स्पोर्ट 2 ये भी ओके है। और स्टार वर्ल्ड जो है HD वो भी ओके है। और सोनी की बात करें सोनी मैक्स जो है HD चैनल वो भी ओके है। सोनी 10.2 जो है ओके है। और उसके अलावा यहाँ पे सोनी 10.3 जो है ये भी चैनल ओके है, थोड़ा सा टाइम लेके चलता है ओके है ये भी। ये सोनी पिक्स है और ये अपना एरोस्पोर्ट यानी डी स्पोर्ट के नाम से चैनल पहले आ रहा था, अब उसका नाम चेंज कर दिया है एरोस्पोर्ट। और जो मेन चैनल है बड़े मैं उनकी बात करूं तो उनमें से एक तो ये कार्टून नेटवर्क जो है बच्चों का ये चेक करते हैं चलता है जी। सोनी 10.1 जो है ये मैंने लगाया है तो इसको चेक करते हैं, ये सोनी 10.1 नहीं भी प्ले हुआ तो ये जूम चैनल है जी। और ये स्टार स्पोर्ट 2 तो हम देख चुके हैं, इसको फिर लगा देते हैं। तो उसके बाद जनाब अला ये निक चैनल है जी, निक HD ये क्या करता है इसको भी देखते हैं, चलता है जनाब सोनिक भी चलता है। तो उसके बाद चलते हैं जी किसी और चैनल की तरफ, बड़े चैनलों में चैनल देखते हैं जी जो देखे जाते हैं घरों में, ZTV वगैरह के चैनल जो है। तो ये ZTV हमारे सामने आ गया जी, ये देखिए बिल्कुल ओके HD ओके है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी चेक कर लें आप दोस्त, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो उस वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आप दोस्तों को फ़ायदा हो। 11,510 32,720 वाली TV में फुल ओके है ये, 72% मेरा सिग्नल है, ZTV मेरा ओके चल रहा है और हल्की फुल्की फ्यूजिंग तो चलती है फिर। तो ये मेरा स्टार प्लस है जी, इसको मैं देखता हूँ लगा के, ओके है जी स्टार प्लस मेरा। और उसके अलावा कलर की बड़ी डिमांड है जी, कलर की ओके है जी कलर मेरा। ZTV सिंपल जो है उसको देखते हैं जी, सोनी सेट की डिमांड है जी इसको देखते हैं, ये देखें जी सोनी सेट जो है वो भी ओके है।
सोनी सब देखते हैं जी, सादा जो है सिंपली ओके है जी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा लगा हुआ है यहाँ पे, बच्चों की बड़ी जो है इसकी मांग चल रही है आजकल। और इसके अलावा कोई और चैनल चेक करते हैं जी, मेरे पास तो हाल जो चैनल आए हैं जी, ये एक स्टार गोल्ड है जी, मेरा ख्याल है स्टार गोल्ड HD है, ओके है, और स्टार प्लस HD, इसकी बड़ी डिमांड है स्टार प्लस HD की, ओके चल रहा है। और फ्यूजिंग की बात करूँ तो मैं थोड़ा सा आगे कटिंग इसको ना कर देता हूँ ताकि मसला ना बने हमारे लिए। और ये चैनल आपके सामने चल रहा है, हल्की फुल्की स्टिल जो होती है उसको तो बर्दाश्त करना पड़ता है क्योंकि हम इसको कौन सा लीगल तरीके से चला रहे हैं, हम भी इसको जो है समझें आप बस कैसे चला रहे हैं। अदरवाइज अगर मही इसको महीने के अगर जर्मन कार्ड के हिसाब से देखते हैं HD चैनलों को तो तकरीबन 2200 पर मंथ इसका खर्चा पड़ता है। ये भी हमें पता है कि इसको कैसे चला रहे हैं, बाकी मैं शेयर नहीं कर सकता इस तरह की बातें। और ये सारा पैकेज जो है इसके अंदर ओके चल रहा है। आप दोस्त जो है अगर डिश को एयरटेल की बंद हो गई तो डिश को रिमूव करके टाटा के 83 पे ले आएँ, और मैंने अपने चैनल पर इसकी सेटिंग की वीडियो भी कम्प्लीट डाली है, आप दोस्त देखें और इसको सेट करें, आप दोस्तों को फ़ायदा होगा इसका। और बड़े अच्छे चैनल जो है इसके अंदर चल रहे हैं, और HD SD का पूरा पैकेज जो है वो चल रहा है यहाँ पे, कोई चैनल की मिसिंग नहीं है। और ये Sony 6 का जो चैनल था ये वाला, इसको मैं चेक करूँ तो पूरा का पूरा पैकेज यहाँ पे ओके है। आप दोस्त ये करें कि आप लोग इसे ले जाएं जनाब अल्लाह डिश अपनी को एयरटेल से उठा के टाटा स्काई के ऊपर। और यहाँ पे चैनल की डिमांड आ रही है जी, स्टार पर सिंपल तो चल रहा है, HD जो कलर है उसका देखते हैं वो क्या करता है। तो पैकेज तो तहाल पूरा का पूरा चल रहा है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो भी ये है जी स्टार प्लस HD। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और साथ साथ मेरे यूट्यूब चैनल सैटेलाइट इन्फो को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप दोस्तों को मिलता रहे, आप दोस्तों को फायदा हो, आप दोस्त इसको जो है सेट भी कर सकें। दोस्तों मिलते हैं नई अपडेट के साथ, अपना ख्याल रखें, ओके अल्लाह हाफिज़।